ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी द्वारा ओबीसी आर्मी की वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने बताया कि ऑनलाइन राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों, सांसद एवं विधानसभाओं और प्रमोशन में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाने की स्थिति में बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता देने तथा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग ओबीसी समाज के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा तथा उन्हें एक मंच पर एकजुट कर मजबूती से उनके हक और अधिकार पाने के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा नारा है, ओबीसी आर्मी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सौ में साठ। ओबीसी आर्मी पिछड़े वर्गों का अपना संगठन है। बताया कि 7 अगस्त को, सही बात है, पिछले साल 2023 में 7 अगस्त को इसी विवेक होटल में हम कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे और उसी समय कार्यक्रम के दौरान ही फोन आया कि आपके पक्ष में ये चीज कोर्ट ने कर दिया है। हम लोगों की एक खुशी का अंदाजा नहीं रहा और खुशी बढ़ गई कि चलिए कम से कम एक काम और हो गया। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कब तक होगा, लेकिन उन्होंने एक अच्छा संदेश दे करके हम लोगों को आगे बढ़ा दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने कहा, जो यह वेबसाइट बनाई गई है, दुनिया की 130 भाषाएं में इसको कन्वर्ट करके पढ़ा जा सकता है, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, कोई भी भाषा हो आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारा ओबीसी है, देश के प्रत्येक राज्य में वह मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, मगर कहीं ना कहीं भाषा की बाध्यता आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे उनमें संवाद नहीं हो पाता। तो यह वेबसाइट एक कड़ी का काम करेगी, जो एक मंच पर लाने का काम करेगी। उसी डाटा से हम सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि ओबीसी समाज जगते हुए, मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करते हुए राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए अब तैयार है, अब हमें झुठलाया नहीं जा सकता। और मैं उनको भी सचेत करना चाहता हूँ, जो लोग सत्ता में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे, देश की सत्ता में रहे, और आज ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे हैं, हम उनसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, जब वो सत्ता में थे तो ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं हमारे लिए काम किया? अब हमें क्या, हम मान लें कि अगर आप दोबारा सत्ता में आएंगे तो आप हमारे लिए कानून बना देंगे। इसलिए ओबीसी समाज अपनी पार्टी खुद बना करके आगे बढ़ने का काम करने जा रही है। लोकसभा चुनाव लड़ेगी ओबीसी पार्टी, यह ओबीसी समाज की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सदस्यता शुल्क क्या रहेगा? सदस्यता शुल्क वार्षिक है, 50 रुपए वार्षिक सदस्यता शुल्क इसका है, साधारण सदस्यता।